स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 9 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर में। मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में हमने उसके तीन चार न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दैट विल बी इक्वल, और इस लॉ को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, m1u1 प्लस m2u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, okay? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में रीड करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस। आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करके रखिए, साथ में क्वेश्चंस देखते रहिए। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, a net zero external unbalanced force, is it possible for an object to be traveling with non zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude direction of the velocity. If no, provide a reason. dekhiye, keh raha hai ki net zero external unbalanced force, net zero ka matlab hai ki fir जीरो तो रिजल्टेंट का तब आता है जब हम उसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो बेसिकली आपसे बैलेंस फोर्स की कंडीशन बोली जा रही है, और ये आपको पजल करने के लिए ऐसा लिखा गया है कि नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, उसका रिजल्टेंट जब जीरो आ रहा है तो वो कैसा फोर्स है, वो बैलेंस फोर्स है। और इसके इफेक्ट में आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब कि नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकता है क्या। नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी का कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, इस तरह से हो सकती है। नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसमें आपसे कंडीशंस पूछी जा रही हैं, कौन सी कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में, तो ये एग्जाम्पल किसका है, नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैलेंस फोर्स भी बोल सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होगी, ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, सो इट इज एन एग्जाम्पल दैट इट इज एक्सपीरियंसिंग ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, मतलब कि उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है। इसके बाद में सेकेंड कंडीशन देखिए क्या पॉसिबल हो सकती है। ये तो मैंने आपको बताया कि वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, अगर उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नेट फोर्स उस पर जीरो है। अगर उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, नेट फोर्स जीरो है। इसी तरह से एक एग्जांपल और हो सकता है, इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि उस पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, अगर वो ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो उस केस पर उसमें फ्रिक्शन भी काम करेगा। तो उसमें हम ऐसा मान करके चलेंगे फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, जीरो है, कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं या जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो जीरो आ रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। या तो फ्रिक्शन फोर्स ही जीरो है तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है तो उस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और स्पीड ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम ये बोलेंगे कि हम इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, और इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है 10 न्यूटन का, वो नेट फोर्स कैसा आ रहा है, वो नेट फोर्स जीरो आ रहा है। और नेट फोर्स अगर जीरो है तब तक उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। जब नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स होगा, उस केस में उसकी स्पीड में चेंज आएगा। तो ये कंडीशन भी बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन जब जीरो होगा तब ऐसा पॉसिबल है, जब एयर रेजिस्टेंस जीरो होगा तब ऐसा पॉसिबल है। तो कंडीशंस बतानी है, कंडीशंस हम लोग लिख देते हैं। तो आप लोग नोट कीजिए इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, यस एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। An object experiences a net zero when an object experiences when
एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स External unbalanced force, comma, it is possible for the object to be ये तो क्वेश्चन से लिख रहे हैं हम लोग स्टेटमेंट इट इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट to be traveling with a non-zero velocity, This can happen under the following conditions. This can happen under the following conditions. अब देखिए conditions लिखता हूं मैं first condition है the object should already be traveling with uniform speed in a straight line. The object should already be traveling with the object should already traveling with a uniform speed already be traveling with a uniform speed with a in a straight line with nahi likhenge in a straight line इन ए स्ट्रेट लाइन ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है तो दिस इज द सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन देयर शुड बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन देयर शुड बी नो चेंज in the direction of motion third the friction not third ye fourth point hum log likhenge the friction between the object and ground must be zero the friction between object and ground must be zero fifth point hum isme likhte hain the air resistance on the moving object must also be zero the air resistance on the moving object must also be zero
तो ये पांच कंडीशंस लिखी हैं। तो इन कंडीशंस में नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स काम करेगा और ऑब्जेक्ट की जो है वो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर नेट फोर्स जीरो कर रहा है तो ये कंडीशंस हैं उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए कारपेट इज बिटन विद ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि जब हम कारपेट को बीट करेंगे एक स्टिक से तो क्या होगा, डस्ट बाहर आ जाती है, ऐसा क्यों होगा ये एक्सप्लेन करना है हमें। तो इसका सीधा सा एग्जांपल हम ये देंगे कि जब हम एक स्टिक से कारपेट को बीट करते हैं तो बीट करने पर क्या होगा, फोर्स लगेगा एंड वी आर अप्लाइंग द फोर्स। फोर्स अप्लाई करने से वो कारपेट आगे की तरफ जाएगा, फिर वापस पीछे की तरफ आएगा, ग्रेविटी उसको वापस पीछे खींचेगी। तो क्या होगा, वो कारपेट आगे की तरफ जाता है फिर वापस पीछे की तरफ आता है, तो वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, वाइब्रेशन मोशन बोलते हैं इसको, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो किस में रहेंगे, तो आंसर है वो डस्ट पार्टिकल तो अभी भी रेस्ट में होंगे, वो डस्ट पार्टिकल्स तो अभी भी रेस्ट में होंगे। सो इट विल कम आउट फ्रॉम द कारपेट। जब हम कारपेट को बीट कर रहे हैं तो कारपेट तो मोशन में आ गया, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल थे वो अभी भी रेस्ट की कंडीशन में रहेंगे ड्यू टू देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो दे विल कम आउट ऑफ द कारपेट, तो वो कारपेट से बाहर आ जाएंगे। तो इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिए। When a hanging carpet is beaten with a stick, when a hanging carpet is beaten with a stick, then the force of the stick make the carpet move. Then the carpet moves to and fro slightly. Carpet आगे पीछे होता है, पहले आगे जाता है फिर वापस पीछे आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको टू एंड फ्रो बोलते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किसमें, वाइब्रेशनल मोशन में। कार्पेट मूव्स टू एंड फ्रो स्लाइटली, मतलब ज्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव करेगा, बट द डस्ट पार्टिकल टेंड टू रिमेन इन द रेस्ट, बट द डस्ट पार्टिकल्स टेंड टू रिमेन in rest. Due to their inertia, of rest. And hence come out of it. And hence come out of it. Note down this answer. Answer second. Third question, why it is advised to tie any luggage kept on the roof of the bus with a rope? देखिए ये बताया जा रहा है कि जब हम एक बस में ट्रेवल करते हैं तो बस के ऊपर सामान रखा होता है, जो लगेज होता है वो बस के जो सीलिंग होती है, छत होती है, उस पर हम लोग रख देते हैं। तो उस पर रखने के बाद उसको टाई कर दिया जाता है, एक रोप के थ्रू उसको बांध दिया जाता है। तो इसका कारण क्या है, इसके दो कारण है। When the bus starts suddenly, then the luggage will move backwards. जब बस अचानक से चलना शुरू करेगी तो क्या होगा, लगेज पीछे की तरफ गिर जाएगा। एंड इफ द बस इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड एंड सडनली स्टॉप्स, अगर कोई बस क्या कर रही है, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है और सडनली वो रुक जाती है, अचानक से रुक जाएगी, देन द लगेज विल फॉल फॉरवर्ड। तब लगेज कहाँ गिर जाएगा, आगे की तरफ गिर जाएगा। तो हमें इसको चलते वक्त जब स्टार्ट होगी बस, उस समय पर उसको पीछे नहीं गिरने देना,
और जब बस अचानक से रुकेगी तो उस लगेज को आगे की तरफ नहीं गिरने देना है, तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रॉप से टाई करना पड़ेगा। तो जब बस स्टार्ट होती है, सडनली स्टार्ट होती है, देन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट विल टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स, तब जो लगेज है वो पीछे की तरफ गिरना चाहेगा बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहेगा। इसके बाद अगर बस मूव कर रही थी और वो सडनली रुक जाती है, देन द लगेज विल टेंड टू मूव, टेंड टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, तब वो लगेज इन द स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहेगा ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, सो इट विल फॉल फॉरवर्ड, तब वो आगे की तरफ गिर जाएगा। तो इन दोनों केसेस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लगेज को टाई करना पड़ेगा। ओके, अब इसके मैं रीजंस लिखता हूँ थर्ड क्वेश्चन के। सो हियर आई विल राइट द आंसर फॉर थर्ड आंसर। We have to tie the luggage because तो क्वेश्चन में से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्वेश्चन में से स्टेटमेंट लिख देंगे, it is advised to tie any luggage kept on the roof of the bus with a rope because if the bus starts suddenly, starts moving suddenly, then the luggage will fall backwards, पीछे की तरफ गिर जाएगा लगेज, then the luggage will fall down from the bus, from the roof of the bus. Due to then the luggage will fall down from the roof of the bus because it tend to remain because it tend to remain at rest, it tend to remain at rest due to inertia of rest, due to inertia of rest। ये इसका ए पार्ट हो गया, अब इसका बी पार्ट भी लिख देते हैं। If moving bus stops suddenly, then the luggage will fall down from the roof of the bus because it tend to remain in the state of motion due to
इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है सी, जो बॉल है वो रेस्ट में आ जाती है बिकॉज देर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। देर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, अपोजिंग द मोशन।